Good afternoon, student. Today I am going to take science lesson 1. How are you, students? Okay, everyone is fine. Okay, students, मैं चाहती हूँ सब अच्छे रहें, सब खुश रहें और फटाफट मेरे क्वेश्चंस के सभी लोग आंसर सॉल्व करके मुझे भेजें तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है हमारा एमसीक्यू. एमसीक्यू है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो आपको इसमें एक ऑप्शन सही बताना होता है. तो मैं आपको फटाफट आंसर बताती हूँ इसके, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको सीरियल वाइज सेंड कर चुकी हूँ तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें. तो सबसे पहले द लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड डैश. सबसे पहले आपका इसके सही आंसर, तीन ऑप्शन दिए हैं तो इसका ए आपका सही है, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पे आपको राइट लगाना है. मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ राइट आंसर ही बता रही हूँ कि आपको उसी में टिक लगाना है. एंड प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑन फूड इन, जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, ग्रीन लीव्स, हरे पौधों से. तो आपको बी वाला यानी ग्रीन लीव्स पे राइट लगाना है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. जो स्टेम के थ्रू दूसरे हिस्सों में आपका भोजन पहुंचाता है ये पत्तों में और उसके अलग अलग ब्रांचेस में, तो उस प्रक्रिया को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है. तो ए वाला राइट है, थर्ड का ए. उसके बाद फोर्थ है आपका, पेटल्स ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट द बीज फॉर. जो एक फूल के चारों तरफ घूमता इंसेक्ट उसको हम कह सकते हैं पॉलिनेशन, घूमने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन. ठीक है, अब आपके आ जाइए इस बी वाले पे, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस. तो सबसे पहले वन है, रूट्स आर ग्रीन. तो जो है जड़ें क्या हरी होती हैं? नो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका जो आंसर रॉन्ग है, क्योंकि आपकी जो जड़ें हैं वो ग्रीन नहीं होती हैं. ट्रू फॉल्स में फर्स्ट वाला फॉल्स है यानी रॉन्ग है. सेकेंड है, रूट्स हेयर एक्ट लाइक स्पंजेस. जो जड़ों के जो हेयर होते हैं वो एक स्पंजेस की भांति काम करते हैं. तो आप ये राइट कह सकते हैं, यस, कि क्योंकि जैसे स्पंज जो है एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, ऐसे ही जड़ जो में हम जैसे वाटर डालते हैं तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेती है. एंड थर्ड है आपका, लीव्स डू नॉट ब्रीथ ऑक्सीजन. पत्ते जो हैं ऑक्सीजन नहीं लेते हैं. तो ये आपका राइट है, यस, पत्ते ऑक्सीजन नहीं लेते हैं. फोर्थ है आपका, शुगर इज स्टोर्ड ओनली इन फ्रूट्स. शुगर केवल यानी कि फ्रूट से केवल अपने भोजन को स्टोर करते हैं, बनाते हैं. तो आप कह सकते हो रॉन्ग, ये जो है आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि सभी अपना स्टोर करते हैं फूड, फ्रूट्स के अलावा भी लीव्स हैं, स्टैम्प है और सभी, एंड रूट्स भी ऑल्सो. सो उसके बाद है आपका फिफ्थ वाला, फ्लावर्स आर ऑफ नो यूज़ ऑफ द प्लांट. एक फूल का क्या कोई यूज़ नहीं होता प्लांट का, प्लांट के लिए. तो आप इसको रॉन्ग कह सकते हो, क्योंकि फ्लावर्स का तो बहुत यूज़ होता है प्लांट के लिए. तो आप इसको फॉल्स कह सकते हो, फिफ्थ वाला फॉल्स है. अब आ जाइए आप सी वाले में, फिल इन द ब्लैंक्स में. द रूट डैश एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो इसमें आ जाएगा, द रूट ऑलवेज यानी हमेशा जो है एब्जॉर्ब करती है, जो जड़ ही है हमेशा एब्जॉर्ब करती है पानी और मिनरल्स को. मिट्टी से कौन एब्जॉर्ब करती है, रूट करती है. तो ऑलवेज. एंड सेकेंड है, द डैश कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये जो है आपका सेकेंड का स्टैम्प आएगा, स्टैम्प के थ्रू ही जो है प्लांट के बाकी हिस्सों में जो है उसका भोजन जाता है. तो सेकंड में है आपका स्टैम्प. एंड थर्ड है आपका, प्लांट कैन नॉट लिव विदाउट डैश. तो प्लांट किसके बगैर नहीं रह सकता, वैसे तो पानी के बगैर भी नहीं रह सकता, सूरज की रोशनी के बगैर भी. तो इस चैप्टर में जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो इसमें बताया वो सनलाइट को बताया, क्योंकि सनलाइट से ही जो प्लांट्स हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन रहते हैं, हरे रहते हैं. तो यहाँ पे सनलाइट लिखना है आपको, आ प्लांट कैन नॉट लिव विदाउट सनलाइट. एंड सम प्लांट्स एक्ट डैश ऑफ फूड.
तो कुछ जो हैं स्टैम्स यानी तने जो हैं अपने भोजन को स्टोर करते हैं, तो स्टोर आएगा इसमें। एंड फिफ्थ है आपका टिनी ओपनिंग्स इन द लीफ आर कॉल्ड, जो छोटे खुले हुए पत्ते होते हैं उसको सेपल्स कहा जाता है। फिफ्थ वाले में SEPALS सेपल्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए डी पे। आप डी पे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको ऑलरेडी सीरियल वाइज पेज सेंड किए हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको यहाँ पे पेज नंबर बताऊंगी और आपको वहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको वहाँ बताऊंगी उस पेज में ये आंसर कहाँ है आपको मिलेगा। तो लिसन स्टूडेंट्स, बी केयरफुली। कंडक्शन, कंडक्शन है आपका पेज नंबर 9 में। सभी आप पेज 9 खोलेंगे तो पेज 9 में जो है हमारा फंक्शन ऑफ स्टैम्प, फंक्शन ऑफ स्टैम्प में थर्ड पॉइंट दिया है। मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ। द स्टैम्प कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ओके, ये हो गया आपका एक्सप्लेन द मीनिंग का फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आपका वहीं पे सेकंड दिया है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का भी सेम इसी पेज में है, पेज 9 में, और जो थर्ड आपने अभी किया उसी के नीचे फोर्थ पॉइंट भी है। द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इज डेट क्लियर? तो ये आपका सेकेंड हो गया। अब आ जाइए आप नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो दिया है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपका थिंग्स टू रिमेंबर में है। थिंग्स टू रिमेंबर में 15 पेज में जो दिया है आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर। एंड सेकंड पॉइंट, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये हो गया आपका थर्ड। अब आ जाइए फोर्थ वाले में। फोर्थ है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पेज 13 में, पेज 13 ओपन करेंगे। 13 पेज में जो दिया आपका फ्रंट में ही है। फंक्शन ऑफ अ फ्लावर में नंबर 1 पॉइंट है, पेटल्स ऑफ अ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बीज फॉर पॉलिनेशन। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें, फ्रंट में ही नज़र आ जाएगा आपको। एंड सेकंड है आपका लास्ट वाला फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है आपका सेम उसी पेज में और वहीं 1 पॉइंट के बाद नीचे है, उसी में सेकंड पॉइंट दिया। फंक्शन ऑफ अ फ्लावर में स्टैमेंस आर द मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट एंड एज इंसेक्ट्स एंड बीज सिट ऑन स्टैमेंस एंड पिस्टिल अल्टरनेटिवली फर्टिलाइजेशन अकर्स आफ्टर पॉलिनेशन, फ्रूट्स इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, ये अब आपके हो गए कंप्लीट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आई थिंक आपको सभी को समझ में आया होगा क्योंकि पेजेस आपके पास हैं। बुक एक तरह से आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर ही सेंड किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। अब ई वाई में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन बुक से करने हैं और आंसर जो है मैंने राइट किए हुए हैं तो वो मैं आपको सेंड करने वाली हूँ अभी। इसके बाद मैं आपको सेंड कर देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन बुक से और आंसर जो मैं सेंड करूँगी वहाँ से आप नोट डाउन करेंगे और मुझे ज़रूर कॉपी में करके सेंड करनी है अपनी नोटबुक्स। मैं ज़रूर देखूँगी कि किस किस बच्चे ने मुझे अपनी नोटबुक सेंड की है। अब आ जाइए एफ पे। एफ जो है हमारा दिया हुआ नेम टू ऑफ द फॉलोइंग विच स्टोर फूड एंड विच आर ईटन। आपको वो दो नाम बताने हैं जो हम खाते हैं, वो आपको बताने। जैसे रूट्स के रूप में हम किस किस को लेते हैं। रूट्स के रूप में हम कैरेट और रेडिश को ले लेते हैं। ए में आप कैरेट लिख देंगे या बी में आपको रेडिश लिख लेंगे। एंड स्टेम्स के रूप में हम किस किस को लेते हैं, यानी तने के रूप में किस किस को खाते हैं। शुगर कैन एंड कैबेज ये आप लिख सकते हो, क्योंकि कैबेज का भी हम तना जो जिसको हम मेन भाषा में डंठल भी बोलते हैं वो हम पूरा बना लेते खा लेते हैं। एंड और लीव्स है आपका स्पेनिच यानी कि पालक एंड अनियन, तो ये भी आप ले लेंगे। पालक और जो आपका प्याज होता है वो हरा जब होता है हम उसको सब्जी के रूप में भी बनाते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं इसको भी। एंड
फोर्थ है आपका फ्रूट्स। फ्रूट्स के रूप में हम मैंगो एंड एप्पल लेते हैं। मैंगो और एप्पल को हम फ्रूट्स के रूप में खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। बट आपको दो पिक्चर्स में साइंस में ड्रॉ करने हैं, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। आपको पेज 15 में जो दिया है, साइकिल दिया हुआ है, बना हुआ है एक, तो ये एक तरह से आपको साइकिल बनाना है। मनुष्य यानी कि प्लांट्स और जानवर और ह्यूमन बींग्स, ये सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, हम सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो इनका आपको एक पिक्चर आपको ज़रूर ड्रॉ करना है साइंस में। एंड एक पिक्चर आपको, सेकंड पिक्चर ये है, आपको दो पिक्चर बनाने हैं फंक्शन ऑफ स्टेम्स में। फंक्शन ऑफ स्टेम्स में आपको बनाना है कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको ज़रूर बनाना है। दो पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है इसमें। ये पेज नंबर 9 में दिया हुआ है, ये पेज 9 में फंक्शन ऑफ स्टेम्स में दिया हुआ है, और वहाँ जो दिया हुआ था वो मैंने आपको पेज 15 में बताया था। तो दो ये पिक्चर आपने ड्रॉ करने हैं और मुझे सेंड करनी है कॉपी। मैं सबकी कॉपी को ज़रूर देखूंगी कि कौन कौन बच्चे मैम की बात ध्यान से सुनते हैं और उसको काम करते हैं। आई होप सो सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा वैसे पढ़ते हुए, क्योंकि खाली बैठने से तो अब पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती, तो इससे अच्छा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है आपका। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपको जब स्कूल खुलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।